वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही पतले हल्के और छोटे बालों की कटिंग करके उनको वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं और ब्यूटीफुल सा लुक कैसे दे सकते हैं। बहुत ही डैमेज हेयर है, बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, बहुत पतले हैं, तो इनको मैं कटिंग करके कैसा लुक देने वाली हूँ फाइनल लुक वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा और कुछ भी सीखना हो ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव मेकअप की वीडियो मैंने टीच की मेकअप की वीडियो कल अपलोड कर दी थी। और हाँ, मेरे ब्लॉगिंग वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल का नाम है, तो वहाँ पे जाके जल्दी से मुझे सपोर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी कुछ डिमांड हो, कोई आप लोग को कोई वीडियो देखनी हो अलग टाइप की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, मेरा एक और एप्लीकेशन है टनाटन ऐप, उसके मैं अपनी डांसिंग की वीडियो डालती हूँ, तो आप इंडियन ऐप है थर्ड वीडियो क्लिक, तो आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी डांस वीडियो देखने में अगर इंटरेस्ट हो तो। प्लीज़ इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की हेयर कट है बहुत ही हल्के पतले वालों को, अच्छा वॉल्यूम लुक कहते थे हेयर कटिंग के जरिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो ये हैं गाइज इनके बाल, आप देख सकते हो कितने छोटे हैं और कितने पतले हैं, इनके मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो पहले मैं इनको कटिंग सेट लगा देती हूँ, उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मिरर मांग रही थी देखने के लिए अपना बाल कटेगा साथ साथ में देखना है, तो मैंने दे दिया कि देखते रहना। तो पहले मैं बालों को गीला कर रही हूँ, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करूँगी। बहुत ही ईजी तरीके से आप कट कर लोगे और बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। बाल बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही वॉल्यूम भी इनके बालों में बहुत कम है, तो इस तरीके का कर्ली भी हैं, तो आपके पास अगर इस तरीके के बाल आ जाते हैं तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इनके बालों का वॉल्यूम, इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लूँगी, इस तरीके से कॉम करेंगे और 50-60 डिग्री पर लेके जाएंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा हेयर को बस कट कर देंगे, इतना ऊपर उठा के ही कट करना है। ओके, बस इतनी ही लेंथ निकलेगी, इनकी लेंथ नहीं निकलेगी, बहुत ही कम लेंथ चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सा इसमें स्टेप आ जाएगा बालों में, थोड़े थोड़े हेयर लेंगे और ये हमारा गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉम करके जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे हम। ओके, अभी फिर से थोड़े से हेयर लेंगे बीच से, बहुत ही इजी तरीका है बालों का, पतले और हल्के बालों को आप इस तरीके से कट करके वॉल्यूम भी दे सकते हो, अच्छा सा स्टेप भी आ जाता है बालों में। तो इस तरीके से देखिए जो गाइडलाइन दिख रही है उसी के पास से हमको कट कर लेना है हेयर को, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा स्टेप आ रहा है, कैमरे में शायद अच्छे से ना दिख रहा हो लेकिन बहुत ही अच्छा कट आया था। अभी फाइनल टच अप जैसे कट करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथ और निकलेगा इनका, फिर इस साइड के भी हेयर को लेंगे और कट कर देंगे इस तरीके से, कॉम करेंगे स्ट्रेट उसे 90 पे तो नहीं, मतलब 50-60 डिग्री पे ले जाके इस तरीके से गाइडलाइन लेके और एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देंगे। देख सकते हो कितना प्यारा सा स्टेप आ रहा है। अभी हम लोग बीच से थोड़े से बालों को उठाएंगे इस तरीके से, क्राउन एरिया के हेयर्स को उठाएंगे और कॉम करेंगे और इसको हम लोग 90 डिग्री पे लेके जाएंगे इस तरीके से। ओके, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको कट करेंगे। ओके, इससे हमारी स्टेप बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी हम लोग पूरा हाफ हेयर ले लेंगे, थोड़ा सा गीला और कर लेते क्योंकि कर्ली बाल हैं तो आपको स्टेप ना दिखे इसके लिए। अभी हम लोग इस तरीके से हाफ बालों को ले लेंगे, जैसे हाफ पोनीटेल बनाते हैं ना उतने हेयर ले लेंगे और इसको पूरा इस तरीके से कॉम करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, बहुत ही प्यारा स्टेप आ जाएगा इस तरीके से अगर आप कट करते हो तो। इसको हमने 70-80 डिग्री पे उठाया और थोड़ा थोड़ा हेयर कट कर दिया,
अभी बहुत ही अच्छा सा लुक आने वाला है, देखते रहिए वीडियो। अभी नीचे से एकदम ख़राब सा लग रहा है यार, तो इसको हम लोग फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग के लिए हम लोग काम कर लेंगे, इससे इनके बालों, ये क्लचर लगा के निकलती हैं तो इनके बालों में वॉल्यूम अच्छा दिखेगा। इस तरीके की कटिंग अगर आप करते हैं इस तरीके के बालों पे, तो आप फाइनल देखते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेट कट दे देंगे, ताकि बहुत ही पतले बाल हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा सा आ जाए। देखिए इतना इतना हेयर और निकल गया है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही पतले बाल हैं। तो इनको अगर बहुत ज़्यादा छोटा करते तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस तरीके से इन्होंने बोला कि छोटा भी मत करिएगा और थोड़ा हैवी वॉल्यूम आ जाए बालों में, तो इस तरीके से मैंने कट किया है। लाइट यू कट नीचे से दे दिया मैंने, बीच से स्ट्रेट है। अब इनके बाल सूखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा आएगा, तो मैं इनका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से कट करते हैं तो आपका जो स्ट्रेट कट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। स्ट्रेट कट की भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, लॉन्ग हेयर पे, शॉर्ट हेयर पे, सब पे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए इनको मैं क्लचर लगा के फिर दिखा देती हूँ, जब इनके बाल सूख जाएंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा। मैंने इनके बालों पे ब्लो ड्राई वगैरह नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा वैसे ही बाल इनके हेयर फॉल होता है, तो ड्रायर वगैरह कम लगाना चाहिए, हीट बालों को कम देनी चाहिए। और जिसका भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है गाइज, आप लोग को मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए, मस्टर्ड ऑयल, उससे आपके बालों का जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा और बाल धीरे धीरे हेल्दी भी हो जाएंगे। तो देखिए ये था इनका फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी बहुत सारी पिक्स भी ली थी तो वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने डाली हुई है तो आप देख लेना। तो स्टेप बहुत अच्छी आई थी बट बहुत कर्ली हेयर है, तो शायद कैमरे में ना दिख रहा हो तो प्लीज़ डोंट माइंड आप। लेकिन पतले और हल्के बालों पे इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। अभी बाल इनके सूख जाएंगे तो नीचे जो बालों के बीच में गैपिंग दिख रही है वो भी नहीं दिखेगा और अच्छा सा लुक आ जाएगा। ओके तो चलिए पिक्स दिखा देती हूँ। तो ये देखिए है ना, बहुत ही अच्छे से स्टेप आ रखे हैं, अभी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब भी इस तरीके के कस्टमर आए तो आप इस तरीके का हेयर कट करके उनको भेज सकते हो, काफ़ी अच्छा कट होता है और बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है बालों में और अच्छा लुक भी देता है। ओके हेयर कट आई होप अच्छी लगी होगी, और बहुत ही छोटे, ज़्यादा इनकी लेंथ भी नहीं थी और कटिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी। अभी मैंने गीले बालों की जस्ट आपको दिखाया, सूखने के बाद और भी वॉल्यूम अच्छा आ गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कर्ली बाल वो बहुत डैमेज हो, छोटे हैं, झड़ चुके हैं, तो आप इस तरह की कटिंग कर सकते हो। इसको आप एडवांस स्टेप कट कह सकते हो, ज़्यादा स्टेप भी नहीं दी थी और बिल्कुल कम भी स्टेप दे दिया था, क्योंकि इनके हेयर जो थे ना बहुत ही पतले थे, तो ज़्यादा और बहुत छोटे भी थे, तो ज़्यादा स्टेप देने पर इनको बांधने वगैरह में भी प्रॉब्लम होती। तो स्टेप भी अच्छे खासे आ गए हैं और वॉल्यूम भी बालों में अच्छा दिख रहा था। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या लेके आती हूँ मैं, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। और हाँ, तीज का ब्लॉग मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, और तीज पे मैंने मेकअप कैसे किया था उसका वीडियो तो आप लोगों ने कल देख ही लिया था, नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।